स्टार्ट रेडी। नमस्कार दोस्तों, पोषणा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि केरमा में आज आदिवासी समाज के पोषणा केरमा दांता के अंतर्गत एक ग्रुप चल रहा है, आदिवासी जनजागृति संगठन, जिसके जरिए पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगह में कार्यक्रम हो रहे थे, बैठकें हो रही थी, लोगों को पेशा एक्ट है, पाँचवीं अनुसूची है, उसकी जानकारी दी जा रही थी। और अभी हमारे साथ इसी संगठन से रसिक परमार है, जिनके जरिए आज उनके संगठन के लोगों के जरिए खेड़ों में एक सभा का आयोजन किया गया, रैली निकालेगी, उनसे बातचीत करते हैं और आखिर रैली में कितने लोग आए थे और क्या क्या हुआ। नमस्कार। नमस्कार। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी पूरा कार्यक्रम खत्म हो चुका है? पूरा कार्यक्रम तो खत्म हुआ है, लेकिन जो गांव में से लोग आने वाले थे अभी ये काम का दिवस है तो लोग आ नहीं सके हैं, लेकिन मैसेज तो हो गया है कि लोग जो आए हैं तो करीबन लोग 700-800 के करीबन लोग होंगे। और वो वन अधिकार कानून की जो समस्या है, ये वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो वर्षों से काम करके उसकी जो ज़मीन है वो मिल नहीं रही है, लोगों को सामुदायिक अधिकार नहीं मिल रहा है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके बारे में खेड़ोमा दाता में पहले से हमने जागृति यात्रा निकाली थी। और जागृति यात्रा के माध्यम से हम सरकार को आवेदन पत्र दिया है और ज्ञापन दिया है और सरकार को बात की है कि ये आवेदन पत्र में जो हमारी मांगनी है वो हमने दी है और सरकार ये मांगनी की तरह काम नहीं करेगी। तो आदिवासी समाज अभी तो 1000 लोग थे, लेकिन आदिवासी समाज दाता खेड़ोमा से करीबन 10-20 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे और आदिवासी लोग इकट्ठा होंगे, ये हाईवे है ब्लॉक करेंगे, ऐसे सरकार को धमकी दी है। और ये सरकार ने बोला है कि अभी सरकार का प्रतिनिधि साथ के बैठक करेंगे, बैठक के बाद हम वो निर्णय करेंगे और जंगल खाता का जो अधिकारी है उसको भी साथ में रखेंगे, तो वो सरकार क्या कर रही है वो देखते हैं। और फिर एक महीने की मुदत दी है, एक महीने में नहीं होगा तो आदिवासी समाज फिर से रास्ता पर आएगी और अभी उग्र आंदोलन करेगी, ऐसी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना रसिक परमार को, इन्होंने बताया कि किस तरीके से आदिवासी समाज अभी 1000 की संख्या में इकट्ठा हुआ और आने वाले समय में ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है, उनके जो अधिकार है वो आखिर नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पर लोगों ने मांग की है कि उन्हें पूरी ज़मीन मिलनी चाहिए, वहाँ पर कम ज़मीन दी गई है या फिर दी ही नहीं गई है। तो दोस्तों, आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में। नमस्कार।